Hello students, we are dealing about new topic of CSIR net, that is genetic control of vulva development in C. elegans. अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे C क्या represent करता है, तो ये काइनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस. बेसिकली C. elegans, इट्स पूरा साइंटिफिक नेम है इसका. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर CSIR net. ठीक है, अब इसमें बात आती है कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है. बेसिकली इसमें याद रखिए, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स के बारे में पूछा जाता. अब देखिए, जैसे ही बात आती है कि जेनेटिक कंट्रोल ऑफ वुल्वा डेवलपमेंट, तो व्हाट इज द वुल्वा. देखिए, वुल्वा इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन, बट इन सी एलिगेंस वुल्वा इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सी एलिगेंस. गॉट इन माई पॉइंट. अब बेसिकली सी एलिगेंस के बारे में बताते हैं ये है क्या, तो याद रखिएगा ये मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक निमाटोड है. इसका बहुत एक्सपेरिमेंटल, याद रखिएगा, वर्क एक्सपेरिमेंटल वर्क में इसका बहुत यूज है और ये रिसर्च लेवल में बहुत यूज होता है. ठीक है, तो सी एलिगेंस की खास बात यह है कि सी एलिगेंस आपका, एक तो ये आपका देखिए मल्टी सेलुलर है और क्या है, माइक्रोस्कोपिक है. ठीक, और याद रखिएगा इसका साइज लगभग 1 mm का होता है. इट इज वेरी मतलब माइन्यूट ऑर्गेनिज्म. That can't see with naked eye, मतलब you can see it with the help of microscope. अब देखिए इसमें दो टाइप के सेक्सेस आपको मिलेंगे, एक तो आपको हर्माफ्रोडाइट मिलेगा और दूसरा अ मेल. आपके जहन में आ रहा होगा कि हर्माफ्रोडाइट क्या है. देखिए, तो हर्माफ्रोडाइट की मेजोरिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादातर सी एलिगेंस हर्माफ्रोडाइट की फॉर्म में मिलेंगे. इट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर होंगे मेल फीमेल, उनका पोजिशन डिफर होगी. अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात आती है, मैंने पहले भी आपको बताया वुल्वा क्या है. वुल्वा इज अ पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, फीमेल, देखिए मेल में नहीं होगा, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है. इसमें 22 सेल्स होते हैं. देयर इज 22 सेल्स एंड सर्व एज ए स्ट्रक्चर थ्रू विच स्पर्म एंटर. दीज आर द 22 सेल्स ऑफ द वुल्वा दैट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन एंड थ्रू विच देयर स्पर्म्स आर एंटर. जस्ट लाइक इन ह्यूमन फीमेल ऑल्सो हैव अ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज अ वुल्वा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा. But in that case, it holds a part that help in the reproduction and sperm enter through these vulva cells. But vulva cell कैसे उसमें sperm की entry होगी, उनका development कैसे होगा, हमें हमारा यहाँ पे जो main topic है vulva का production कैसे होगा, मतलब कोई जब new organism बनेगा, new C. elegans बनेगा, तो उसमें vulva का formation कैसे होगा. तो यहाँ बता रहे हैं, in vulva development process, first the vulva precursor cells are born. देखिए ये vulva VPC, ये क्या है आपके, वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स आर द सेल्स दैट आर द स्टेम सेल्स. एक तरीके से स्टेम सेल्स की तरह काम करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुल्वा एंड वुल्वा हेल्प इन द रिप्रोडक्शन. मींस ऑल 22 सेल्स अराइज फ्रॉम दीज स्टेम सेल्स. वुल्वा प्रीकर्सर सेल से याद रखिएगा, सारे 22 सेल्स अराइज होंगे. ओके ठीक है, बॉन वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स. अब देखिए ये जो स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करेंगे वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स, यहीं से पूरा जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है सी एलिगेंस का डेवलप होगा. तो कितने होते हैं वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स, आर 6 हाइपोडर्मल सेल्स. ठीक है, ये सोमेटिक सेल्स की बात हो रही है, 6 हाइपोडर्मल सेल्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग कंसेक्यूटिवली, देखिए नंबर्ड क्या है, P3.P थ्रो P8P, ईच ऑफ विच हैव द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट सेल्स टू वुल्वा. मतलब ये आपके सेल्स हैं जो वुल्वा हाइपोडर्मल सेल्स हैं. एपिडर्मिस होती है आउटर लेयर, उसके बाद हाइपोडर्मल. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हाइपोडर्मल है, वो स्किन से रिलेटेड नहीं है. तो ये जो 6 हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, वुल्वा, दीज आर द स्टेम सेल्स दैट गिव राइज टू होल वुल्वा इन सी एलिगेंस. अब बेसिकली बात आपके जहन में आ रहा होगी, सेल सेल इंटरेक्शन स्पेसिफाई द फेट ऑफ द वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स. फेट क्या होता है, मीन्स हाउ दीज वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स ऑर्गेनाइज टू मेक अ सेल्स एंड हाउ दे आर अरेंज इन होल सी एलिगेंस. किस तरीके से वो अरेंज होंगे, क्या उनका फेट है, कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, क्या सेल्स किस जगह बनेंगे, तो वो फेट होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बताया गया है कि बेसिकली आपने देखा कि जो सी एलिगेंस है वो कैसा आपका हर्माफ्रोडाइट है मेजोरिटी में. तो याद रखिएगा वाइल्ड टाइप मीन दे आर फाउंड इन वाइल्ड टाइप मीन दैट इज फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट. तो यहां बता रहे हैं उसमें 3 डिस्क्रीट सिग्नल हो सिग्नलिंग होते इवेंट होते हैं. इन वाइल्ड टाइप हर्माफ्रोडाइट 3 डिस्क्रीट सिग्नलिंग इवेंट स्पेसिफाई P5.P, P6.P एंड P7.P टू अडॉप्ट वुल्वा वुल्वल फेट दैट इज अंडरगो लीनिएज दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वुल्वा सेल्स. मीन्स दीज आर द हाइपोडर्मल सेल्स, है ना, ये वुल्वा फेट
Vulva fate means how vulva cells form from these three cells, P5.P, P6.P and P7P. तो हमारा मेन मकसद यहाँ पे यही है कि जो वाइल्ड टाइप, हम बेसिकली ये वाइल्ड टाइप की बात हो रही है, जो नेचुरल हैबिटेट में सी एलिगेन मिलेगा वो वाइल्ड टाइप हो गया, ठीक है, नेचुरल एनवायरमेंट में. तो यहाँ पे थ्री सिग्नलिंग इवेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है. तो एक P5P सिग्नलिंग इवेंट, P6P और P7P, ठीक है. ये वुल्वा फेट, वुल्वा फेट मींस दे अंडरगो लीनिएज दैट गिव राइज टू होल वुल्वा सेल्स. 22 सेल्स होते हैं, याद रखिएगा, रिमेंबर इट. अब आपको मैंने बताया P5P, P6P एंड P7P, P7.P. अब देखिए यहां पे बता रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, P3P, P4P, P8P. तो वहां क्या था, 5, 6, 7 और यहां है 3, 4, 8. ये क्या है, टू अडॉप्ट अ नॉन वुल्वल फेट दैट इज टू प्रोड्यूस एडिशनल हाइपोडर्मल सेल्स. मींस देखिए ऐसा है, सारे हाइपोडर्मल सेल्स बहुत सारे बनते हैं, तो कौन कौन से हाइपोडर्मल सेल्स जो होते हैं वुल्वा का प्रोडक्शन करते हैं, तो याद रखिए ये वुल्वा का प्रोडक्शन नहीं करते हैं. ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, P3P, P.4.P एंड P8P, ये याद रखिएगा, ये वुल्वा नहीं बनाते हैं. और पीछे आ जाइए, देखिए यहां पर P5P, P6P और P7, 5, 6 और 7, इट मेक वुल्वा, ठीक है. वुल्वा फेट कौन बनाएगा ये, और ये याद रखिएगा, वुल्वा फेट नहीं बनाते हैं. अब इसकी पोजीशन की बात आई है, देखिए पोजिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय द वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स इज प्रोवाइडेड बाय द सेल, मतलब जिन सेल से, याद रखिएगा, पोजीशन वुल्वा प्रीकर्सर सेल की पोजीशन होगा, दैट इज एंकर सेल्स. तो अब एंकर सेल का क्या रोल है यहां पे, जो एक पोजीशन, मतलब वुल्वा सेल की जो पोजीशन होगी उसकी जरूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा वो एंकर सेल बताएंगे, याद रखिएगा. तो एंकर सेल से आपको पता लगेगी उनकी पोजीशन, ठीक है. अगर एंकर सेल नहीं होगा, याद रखिएगा, तो वुल्वा का प्रोडक्शन नहीं होगा, रिमेंबर इट. व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ एंकर सेल्स, ठीक है, तो वुल्वा प्रीकर्सर सेल ही, याद रखिएगा, मतलब एक पोजीशन, मतलब वुल्वा प्रीकर्सर सेल की क्या पोजीशन होगी, उसमें एंकर सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. अगर एंकर सेल्स एब्सेंट हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस वुल्वा सी एलिगेंस में नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा, यहां देखिए वो पॉइंट, उसका आंसर देखिए अगले पॉइंट में छिपा हुआ है. एंकर सेल से एक प्रोटीन निकलती है जिसका नाम है लिन3 प्रोटीन. ये जो लिन3 प्रोटीन होती है, जो बिल्कुल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के सिमिलर होती है, इट इज सिमिलर टू एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, मतलब लिन3 प्रोटीन दैट इज सिक्रेटेड बाय एंकर सेल्स एंड दैट प्रोटीन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ वुल्वा सेल्स. अब आप समझ गए होंगे कि अगर एंकर सेल नहीं होगा, तो एंकर सेल अगर एब्सेंट, तो लिन3 प्रोटीन सिक्रीट नहीं हो पाएगी. जब लिन3 प्रोटीन सिक्रीट नहीं होगी, इट मींस देयर इज नो फॉर, क्या नहीं बनेगा, वुल्वा नहीं बनेगा. इट मींस देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंकर सेल हैव प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ वुल्वा. तो कितने होते हैं, देखिए वुल्वा प्रीकर्सर, 6 वुल्वा प्रीकर्सर सेल इन्फ्लुएंस बाय द एंकर सेल. जो वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स होते हैं, दीज आर द स्टेम सेल्स. हमने शुरुआती टॉपिक में पढ़ा था कि ये जो वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स होते हैं, वो एंकर सेल को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है. 6 वुल्वा प्रीकर्सर सेल इन्फ्लुएंस बाय एंकर सेल फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप, एक ग्रुप बनता है इसमें, ठीक है. तो ग्रुप में क्या है वो देखते हैं आगे. ईच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज कॉम्पिटेंट टू बिकम इंड्यूस्ड बाय द एंकर सेल. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने बताया एंकर सेल का. अगर एंकर सेल नहीं होंगे, तो लिन3 प्रोटीन सिक्रीट नहीं होगी. वो एक तरीके से एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की तरह है, जैसे ह्यूमन में होता है, ऐसे ही यहां पर है. तो याद रखिएगा, ईच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज कॉम्पिटेंट टू बिकम इंड्यूस्ड बाय द एंकर सेल एंड कैन एज्यूम एनी ऑफ द 3 फेट्स. इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, डिपेंडिंग ऑन द इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द एंकर सेल. कौन से सेल करीब है एंकर के और कौन से दूर है, ठीक है. द सेल्स डायरेक्टली बीनीथ द एंकर सेल, ठीक है. जो सेल्स बिल्कुल किसके करीब होते हैं, द सेल डायरेक्टली बीनीथ द एंकर सेल डिवाइड टू फॉर्म द सेंट्रल वुल्वा सेल्स. जो बिल्कुल करीब होंगे एंकर सेल के, वो क्या बनाएंगे, सेंट्रल वुल्वा सेल्स बनाएंगे. आसपास वाले 2 सेल्स फ्लैंकिंग दैट सेंट्रल सेल डिवाइड टू बिकम द लेटरल, ठीक है. बीच का सेंट्रल वाला सेंट्रल वुल्वा सेल बनाएगा, आसपास के जो होंगे वो क्या बनाएंगे, देखिए बता रहे हैं, लेटरल वुल्वा सेल्स विच वाइल द अदर 3 सेल फार्दर अवे फ्रॉम एंकर सेल. तो एंकर सेल देखिए, जो साइड के एंकर सेल होंगे वो हाइपोडर्मल सेल में कन्वर्ट. अभी देखिए एक फ्लो चार्ट आएगा, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहां पे क्या हो रहा है, कि कौन से मेंबर क्या बना रहे हैं, सेंट्रल वुल्वा सेल्स, सेंट्रल वुल्वा प्रीकर्सर सेल सेंट्रल वुल्वा बना रहे हैं, और साइड वाले हाइपोडर्मल एक बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है, लेटरल वुल्वा
हाइपोडर्मल, लेटरल और सेंट्रल। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आगे एक फ्लो चार्ट आएगा, उससे सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और क्वेश्चन जो भी पुट आउट होगा वो आप लगा सकते हैं। एवरी ईयर एक क्वेश्चन जरूर रहता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सी सेक्शन में। इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉय, देखिए अगर आप सी एलिगेन के एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दीजिए तो याद रखिएगा ऑल सिक्स सेल्स डिवाइड वंस एंड कंट्रीब्यूट टू द हाइपोडर्मल टिश्यू। अगर आपने क्या किया, एंकर सेल डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या होगा, वो वुल्वा में कन्वर्जन नहीं होगा। वुल्वा सेल में कन्वर्जन नहीं होगा तो वुल्वा नहीं बनेगा, तो वुल्वा नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा, हाइपोडर्मल टिश्यूज बनेंगे। इस चीज का आंसर आपको आगे मिलेगा। देखिए लिंथ्री प्रोटीन याद रखिएगा, द इम्पोर्टेंट प्रोटीन दैट इज सीक्रेट बाई विच पार्ट, एंकर सेल्स। ठीक है, हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, देखिए बताते हैं। अब बात आती है कि लिंथ्री प्रोटीन के बारे में हमने जिक्र किया, लिंथ्री प्रोटीन कौन रिसीव करेगा, द लिंथ्री प्रोटीन इज रिसीव बाय द सेल सरफेस रिसेप्टर। देखिए ये सेल सरफेस रिसेप्टर होंगे सी एलिगेन में, और सेल सरफेस रिसेप्टर जो होंगे टायरोसिन काइनेज। ठीक है, लेड 23 LET, लेड 23 प्रेजेंट ऑन द वुल्वा प्रीकर्सर। अब LET 23 किसके पास होगा, ये वुल्वा प्रीकर्सर सेल्स के पास होगा, एंड द सिग्नल इज ट्रांसफर टू द न्यूक्लियस थ्रू द एक आपकी देखिए काइनेज मैकेनिज्म है, सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा मैप काइनेज पाथवे। मैप काइनेज पाथवे के जरिए ये सिग्नल कहां ट्रांसफर होगा, इसके सेल के न्यूक्लियस के पास। लेकिन इसमें कौन मदद करेगा, तो याद रखिएगा LET 23 जो है वुल्वा प्रीकर्सर सेल के पास होगा और ये सिग्नल जो है न्यूक्लियस को जाएगा मैप काइनेज के थ्रू। ठीक है, तो लिंथ्री प्रोटीन सेल सरफेस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिसीव करेगा और उसके बाद LET 23 जो होगा वो वुल्वा प्रीकर्सर सेल के पास पहले से ही मौजूद होगा जो न्यूक्लियस जाएगा मैप काइनेज के थ्रू। ये मैप काइनेज सेल बायोलॉजी में डिटेल में पढ़िएगा। लिंथ्री प्रोटीन के बारे में फिर आ जाइए, लिंथ्री प्रोटीन फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका कंसंट्रेशन देखिए, इसका अमाउंट सिक्रीट होता, ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तब क्या होगा कम में, तो याद रखिएगा इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट P6.P सेल्स कंसिस्ट टू द एंकर सेल रिसीव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, जो सेंट्रल सेल होते हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं, इसके फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका फ्लो चार्ट है, इसे समझ लीजिए बस। तो देखिए ऊपर देखिए आप, ये आपका सी एलिगेन में एक सेल्स हैं, जब एम्ब्रियोलॉजी होती है, देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है, तो जब शुरुआती में जब सी एलिगेन काइनोर हेप्टाइटिस एलिगेंस, ठीक है प्रोनाउंसिएशन ये, तो एंकर सेल जब उसमें बनते हैं सी एलिगेंस के बॉडी के अंदर बनेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एंकर सेल क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया शुरुआत में एंकर सेल एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उस प्रोटीन का नाम है लिंथ्री। अब ये जो लिंथ्री प्रोटीन है इसका कंसंट्रेशन देखना है, कहां ज्यादा सिक्रीट हो रहा है कहां कम, पूरा क्लियर हो जाएगा। इस पिक्चर ही एक पिक्चर ही काफी है आपके लिए। तो याद रखिएगा कि जो एंकर सेल होते हैं वो अगर लिंथ्री प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा कहां रहेगा, सेंटर पे। देखिए इतने डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं, P6.P, P7.P, P8, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पी लगा देंगे, P3.P, P4.P, P5.P, P6.P, P7.P, P8.P, ये सारे सेल्स एंकर सेल ही बनाते हैं। अब आपको जहन में आ रहा होगा वुल्वा, याद रखिएगा वुल्वा इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सी एलिगेंस। अब एंकर सेल अगर लिंथ्री प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करते हैं तो उसका रोल याद रखिएगा, उसका कंसंट्रेशन उसका ज्यादा इफेक्ट इन सेल्स पर होगा, P6P, दीज आर द हाइपोडर्मल सेल्स। तो जब यहां पे होगा P6.P पे, तो इसका लिंथ्री प्रोटीन का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा, याद रखिएगा सेंटर पे ज्यादा रहेगा, इस जगह पे तीन जगह पे बहुत ज्यादा रहता है, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां ज्यादा है और सेंटर पे ज्यादा है। तो यहां पर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो ये सेल्स, अब देखिए एक तो यहां से एक प्रोटीन सिक्रीट हुई एंकर सेल से लिंथ्री प्रोटीन, तो लिंथ्री प्रोटीन जो एक्ट करेगी P6.P पे, तो एक सिग्नल देखिए एक्टिवेट हो रहा है और P6P से एक सिग्नल निकलेगा, सिग्नल एक्टिवेट LIN-12। तो जब लिंथ्री प्रोटीन अपना कंसंट्रेशन ज्यादा निकालेगी P6.P पे, तो क्या होगा, यहां पर इस कंसंट्रेशन की वजह से एक दूसरी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, एक सिग्नल एक्टिवेट होगा LIN-12। तो ये सिग्नल कहां तक जाएगा, देखिए P6P से ये सिग्नल पहुंचेगा P5.P में और P6.P से इधर भी जाएगा, तो दो तरफ सिग्नल जा रहा है। देखिए कंसंट्रेशन लिंथ्री प्रोटीन ने इसको, ठीक है कंसंट्रेशन से हो रहा है मेन, तो अगर इसका कंसंट्रेशन लिंथ्री का ज्यादा होगा तो उसका इफेक्ट P6.P पे होगा। तो इससे याद रखिएगा, तो बराबर पे क्या होगा, इसके ये जो सेंट्रल वाले सेल्स हैं ये इससे एक सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन का इफेक्ट लिंथ्री प्रोटीन का
जो कंसंट्रेशन सिक्रीट होगा जो अमाउंट वो P6P पे एक्ट करेगा, तो इससे एक सिग्नल एक्टिवेट होगा दैट इज लिन-12 जो कि वो P5.P पे एक्ट करेगा और यही कंसंट्रेशन की वजह से इधर भी सिग्नल लिन-12 का एक्टिवेट होगा। तो ये नाम याद रखिएगा लिन-12 और लिन-3 प्रोटीन कौन सिक्रीट करता है, अगर ये सिक्रीट नहीं होगी तो क्या होगा, तो याद रखिएगा P7.P। अब देखिए P6.P किस में कन्वर्ट होंगे जब ये सिग्नल मिल जाएगा, तो ये 1 डिग्री सेंट्रल वुल्वा सेल्स बनेंगे, 1 डिग्री सेंट्रल सेल्स बनेंगे। तो कितने सेल बनते हैं याद रखिएगा, P6P 8 सेल बनाता है और ये 8 सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वुल्वा में, ठीक है। P5.P पे लिन-12 में एक्टिवेट किया है तो इससे बनेगा सेकेंडरी लेटरल साइड वाला, और ये भी लेटरल सेकेंडरी लेटरल, सेंट्रल पे 1 डिग्री और लेफ्ट राइट पे सेकेंडरी लेटरल और सेकेंडरी लेटरल। तो ये आपके देखिए सेकेंडरी लेटरल 7 सेल बनाएगा और P7.P ये भी आपका 7 सेल बनाएगा। तो टोटल सेल काउंट करिए आप, ऐड करिए इन तीनों को, 8 और 7 15 और 15 और 7 15 और 20 22 सेल्स। तो टोटल कितने सेल हो गए, 22 वुल्वा सेल्स। तो 22 वुल्वल सेल्स का फॉर्मेशन किसने किया, 3 हाइपोडर्मल सेल्स, P6.P P7.P P5.P। तो याद रखिएगा पूरा सी एलिगेन का जो वुल्वा बनता है वो इनसे बनता है, ठीक है, P5.P P6.P और P7.P इन तीनों से, ठीक है, सेल्स, ठीक है, यहां से सीक्रेट होता है। तो ये आपके बनाते हैं, ये वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैं, दीज आर द एंकर सेल और दीज आर द वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स। तो वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स आपके ये हो जाते हैं और ये वुल्वा में कन्वर्ट हो गए। लेकिन आप ये देखिए ये लिन-3 का कंसंट्रेशन इस पे नहीं आ पाया P8P पे, तो ये वुल्वा में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये टर्शरी सेल 3 डिग्री ये हाइपोडर्मिस में इसकी बॉडी का हाइपोडर्मल पार्ट बनाएंगे सी एलिगेंस का। इसी तरीके से देखिए लिन-3 का इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, P4.P ये भी हाइपोडर्मिस बनाएगा 3 डिग्री, P3.P ये भी हाइपोडर्मिस बनाएगा। आपको ये समझना है, हाँ, अगर एक क्वेश्चन देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो याद रखिएगा कि कौन से वुल्वा प्रिकर्सर सेल्स जो है वुल्वा बनाएंगे और कितने सेल बनते हैं, कौन कितने बनाता है। P6.P प्राइमरी सेंट्रल सेल, ये 8 सेल बनाएगा। P5.P कितने बनाएगा, सेकेंडरी लेटरल, और P7.P सेकेंडरी लेटरल, ये दोनों 7 सेल्स बनाएंगे। टोटल कितने हो गए, 22 वुल्वल सेल्स, जिससे पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट काइनोहेप्टाइटिस सी एलिगेंस का बन जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट दिस। एंड अगर एक क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि अगर ये लिन-3 प्रोटीन सिक्रीट ना हो, ठीक है, ये प्रोटीन को डिस्ट्रॉय, सॉरी, एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अगर हमने एंकर सेल को डिस्ट्रॉय किया तो क्या होगा, तो वुल्वा सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, सारे सेल किस में, हाइपोडर्मल बनेंगे। गॉट इन माय पॉइंट। इट इज ऑल अबाउट सी एलिगेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और आपने अगर इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लिया, लिन-3 प्रोटीन का क्या काम है और ये लिन-12 का सिग्नल कहां से आया, किसके कंसंट्रेशन से, तो इट इज ऑल अबाउट दिस। इसको अच्छे से समझिए। थैंक यू।